मैडम ने कहा था कि मुझे सुबह मम्मा सैरी में उठाना, तो मैंने उसको उठा दिया और नींद में इसने नाश्ता भी किया है और वहीं पे नाश्ता करते करते फिर से सो गई है। तो अब ये है कि ये उठ भी गई, इसने नाश्ता भी कर लिया सैरी में और वहीं पे वहीं सो भी गई है दोबारा से। कितनी प्यारी लाइफ होती है ना बच्चों की, कसम से बहुत खूबसूरत। अल्लाह ताला उनके नसीब अच्छे करे, अल्लाह ताला उनको सारी ज़िंदगी टेंशन फ्री रखे, अच्छे इंसानों के साथ इनके नसीब जुड़े हों अल्लाह ताला ने, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम, हाउ करती हूँ आप लोग, ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे, जा रहे हैं खुश रहें, आबाद रहें अपने प्यारों के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ। आगे बढ़ने से पहले आपने, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले अपने चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है ताकि आने वाली वीडियो आप देख सकें, उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत काफ़ी बेहतर है और एंटीबायोटिक मैंने 1 वीक खा ली है और ये वाले 3 नेल्स जो है कुछ बेहतर हैं पहले से। अभी इसमें ब्लीडिंग नहीं हो रही और थोड़े पेन में भी कमी हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हैं। लेकिन ये 3 नेल्स ख़राब हुए थे, ये 2 अभी रहते हैं और इधर वाले भी लास्ट वाले 3 रहते हैं। अब देखो अब इनका क्या होता है, कब होते हैं, क्योंकि एक साथ ख़राब नहीं हो रहे। तो बस नेल्स का अभी बस हाँ थोड़ी सी मतलब कंडीशन ठीक हुई है, लेकिन ये कि काम वाम करने में अभी भी बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा वीक हैं, कोई चीज़ उठा रख नहीं सकती, काटना और ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और वो तो होगी, जाहिर सी बात है, अब जब ठीक हों। बाकी ये है कि आज अभी जा रही हूँ मैं, ऑफिस जाना है, थोड़ा सा काम है और मुझे वहाँ पर अपने बिल सबमिट करवाने हैं। और कल नहीं परसों मैं टेलर के पास गई थी, आपको दिखाया था, और वहाँ पे वो उनका जो मास्टर था वो मुझे नहीं मिला था, जिसको मैंने कपड़े दिए थे स्टिच करने के लिए। तो वो जो वर्कर्स थे उन्होंने कहा हमें नहीं पता कितनी अमाउंट बनेगी, तो मुझे वहाँ भी चक्कर लगाना है, वो ऑफिस के पास ही है। तो बस ये 2 काम करके वापस आती हूँ, फिर जब तक इंशाल्लाह बच्चे आ जाएंगे और बाकी दिन भर की जो भी रूटीन होगी वो होगी आपसे शेयर। थैंक यू सो मच जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया है, और थैंक यू सो मच इन एडवांस जो अभी चैनल सब्सक्राइब करेंगे, दुआएं देने के लिए, वीडियोज़ को देखने के लिए, प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए, थैंक यू सो मच। ऑफ़िस में अपना काम ख़त्म करके मैं टेलर के पास गई, जहाँ से मैंने जो है अपनी शर्ट्स उठाई, एक सूट था और 2 शर्ट्स थी। फिर मैंने वेजिटेबल्स ली और उसके बाद चिकन लिया, बोनलेस अलग करवाया और हड्डी वाला अलग करवाया, क्योंकि बोनलेस बच्चों के लिए चाहिए होता है मैक्रोनी बनाने के लिए। उसके बाद मैं आई घर, दोपहर का टाइम था, शदीद गर्मी भी थी, लेकिन यह है कि बस अब वही टाइम था जब मैं निकल सकती थी, फिर बच्चों ने आ जाना होता है। उसके बाद मैंने जो है थोड़ा बहुत अफ्तारी की तैयारी की, मैंने कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बनाई थी, पकोड़े बनाए और फ्रूट चाट बनाई, शरबत बनाया था, और अफ्तारी जो है वो इसके अलावा मैंने जो है शूट नहीं किया कुछ भी। बस जनाब अल्हम्दुलिल्लाह खैर से जो है वो अफ्तारी हो चुकी है, और जो है अभी सामान वगैरह समेट लिया है मैंने, किचन का काम अभी रहता है, और अफ्तार करते हुए मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, बहुत देर हो रही थी, जल्दी जल्दी मैं सारा कुछ किया। और इसके अलावा हाँ मैं जो बाहर गई थी, थोड़ा सा काम ऑफिस में था, कुछ मेडिसिन के जो बिल्स वगैरह हैं वो सबमिट करवाने थे, फिर मैंने आपको बताया था टेलर के पास जाना है, तो मैं गई, मुझे कपड़े मिल गए, मैंने ले लिए, उनका जो मास्टर था आज मौजूद था। फिर मैंने जो है अब दिखाया वीडियो में कि चिकन लिया, वेजिटेबल्स ली, और उसके बाद मैं घर वापस आ गई थी। अफ्तारी से पहले इनके फादर भी आ गए थे, मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, और बच्चों के साथ अफ्तार किया, और अभी भी निकले हैं कुछ देर पहले वो। और इसके अलावा जो मैं सिलने के लिए मेरे कपड़े दिए हुए थे, उसमें 1 सूट था और 2 शर्ट्स थी, यानी जो 2 शर्ट्स थी वो शर्ट दुपट्टा मैंने लिए थे,
वो वाइट ट्राउज़र पे पहनना है मुझे, और जो सूट था वो 3-पीस सूट था। इनकी इन तीनों के दुपट्टे मैंने कल नहीं परसों जो गई थी उसमें पीको करवा लिए थे, टेलर से भी आज उठा लिए, तो मेरा काम ख़त्म हो गया। और बच्चों के लिए अब रह गया है कि किसी दिन जैसे ही सैलरी आती है तो इंशाल्लाह एक ही दिन जाएंगे, बच्चों का एक ड्रेस और उनका शूज़ जो है वो ले लेंगे। तो मैं अभी आपको दिखाने लगी हूँ अपनी एक सूट और दो शर्ट्स। अच्छा, ये जो कलर है ना, ये मैंने शादी से पहले पहना था, उसके बाद ना मैंने नहीं पहना, पता नहीं मिला नहीं या पता नहीं क्या मसला है, लेकिन ये मुझे अभी इस बार दिख गया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा। लाइट सा ग्रीन कलर है, और ये इसका ट्राउज़र है, ये शर्ट है, और इसका दुपट्टा जो है वो उधर रखा हुआ अलमारी में, कल मैं परसों पीको करवा के आई थी। और इसके अलावा एक ये शर्ट है, और ये इसका दुपट्टा जो है वो इसी प्रिंट का है, यानी कि ब्लू और ऑफ वाइट टाइप का। और इसके अलावा एक ये शर्ट है, अब ये भी शर्ट दुपट्टा है, इसके साथ स्कार्फ है, इसके साथ जो है वो दुपट्टा है। अब ये दोनों वाइट पे चलेंगे, इसलिए मैंने ये दोनों शर्ट दुपट्टा ही मंगवाया था, 2-पीस मंगवाया था। और इन दोनों पे पहनने के लिए ट्राउज़र नहीं था मेरे पास न्यू, तो वैसे तो वाइट मेरे पास बहुत सारे, क्योंकि ज़्यादातर मैं कुर्तीज़ ही लेती हूँ या शर्ट दुपट्टा लेती हूँ, तो वाइट या ब्लैक चल जाता है उनके ऊपर। तो 2-3 दिन पहले मैंने ऑफ वाइट जो है वो ट्राउज़र ऑर्डर किया था, जो कि अभी वो भी आज ही आ गया, अफ्तार से पहले पहले पार्सल आया, वो भी दिखाती हूँ मैं। अच्छा, ये पता नहीं नज़र आ रही है इसकी एम्ब्रॉयडरी के नहीं, ये मैंने, अच्छा मुझे नहीं अंदाज़ा था कि इसमें एम्ब्रॉयडरी हुई है ना, मुझे बस वाइट ऑफ वाइट चाहिए था। तो अभी चूँकि 23 मार्च की सेल लगी हुई थी तो मैंने ये ऑर्डर कर दिया था, जो कि अभी भी थोड़ी देर पहले मुझे रिसीव हुआ है, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इसकी सिलाई भी बहुत अच्छी हुई हुई है, इसके पैंचों पर यहाँ पर लेस भी लगी हुई है, और प्लस इसकी जो है एम्ब्रॉयडरी बारीक सी एम्ब्रॉयडरी भी हुई। ये वाला जो ट्राउज़र है ना, वो मैंने इन दोनों पे चलाना है, इसके साथ भी काम आ जाएगा, और प्लस ये इसके साथ भी चल जाएगा। तो इसके साथ इतना नहीं चल रहा क्योंकि ये ऑफ वाइट नहीं है, वाइट भी नहीं है, ये ग्रे टाइप है थोड़ा सा ना, तो हो सकता है मैं इसके लिए दूसरा ट्राउज़र ले लूँ, लेकिन हाँ इसके साथ बिल्कुल सेम मैच हो रहा है, इसके साथ आराम से चल जाएगा। और इसका जो स्कार्फ है ना, वो भी बहुत प्यारा है, ग्रीन कलर का ना, इस कलर का है, और उसमें ये थोड़ा बहुत ये वाले के डिज़ाइंस भी हैं। तो समझे मेरी तो तैयारी हो गई है कम्प्लीट, अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, खैर आफियत से ऑपरेशन हो जाए, सर्जरी हो जाए, तो इंशाल्लाह फिर ईद भी करेंगे, ये कपड़े भी पहनेंगे, और नहीं तो फिर मेरी बेटी पहनेगी इंशाल्लाह। अच्छा, अफ्तार से पहले पहले जो है एक और काम किया मैंने, तीनों बच्चों को नहलाया गर्म पानी से, क्योंकि गीज़र जो है ना 3-4 दिनों से मेरा चल नहीं रहा, मतलब वो नल ऑटो है असल में, वो जब नल खुलता है तो गीज़र ऑन होता है, नल बंद होता है तो गीज़र ऑफ हो जाता है, तो वो टक की आवाज़ तो आ रही है लेकिन पानी गर्म नहीं आ रहा। तो वो जो लगा के गया था, मैंने उसको कॉल की थी, तो उसने कहा कि बाजी मैं कहीं और दूसरी बिल्डिंग में काम कर रहा हूँ, तो आज तो नहीं आ सकता, कल आऊँगा। तो इसलिए अब कल भी नहीं नहाए बच्चे आज भी, तो फिर मैंने बारी बारी उनको पानी गर्म करके दिया, तीनों नहा लिए, फ्रेश हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा जो है अफ्तारी भी हो गई, मैंने आपको कपड़े भी दिखा दिए, और अब जो है बस अभी कल इनका स्कूल है, बस अभी किचन समेटना है, किचन की सफाई करनी है, अफ्तारी के बर्तन धोने हैं, और कल इनको उठाना है, साधु खदीजा ने रोज़ा रखना है इंशाल्लाह। और बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल इंशाल्लाह। तबीयत काफ़ी बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह, बस नेल्स का थोड़ा मसला चल रहा है अभी भी, ज़ाहिर काम करने में काटने वगैरह में तकलीफ होती है, अभी ये तो कहमत अभी के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, अब कुछ नहीं कहा जा सकता कब तक ख़त्म होते हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है, तबीयत ठीक हूँ मैं, आपको फ़ील हो रहा होगा कि कहमत के जो असरात थे वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे फेस से जा रहे हैं। इस टाइम पर जब मैं आपसे बात करती थी, अल्लाह हाफिज़ कहती थी, तो बहुत शदीद मेरे फेस सूजा हुआ होता था, गुमुदगी थी, मेरी आईज़ नहीं खुलती थी। तो अभी शायद मेरे ख्याल में आज 14-15 दिन हो गए लास्ट कीमो को ना, डोज़ को, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, बेहतर फील हो रहा है, और मेरा ईमान है, मेरा दिल कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब ऑपरेशन तो होना है, लेकिन ऑपरेशन से पहले जो उन्होंने मुझे इंजेक्शन का कहा है, 35,000 का एक इंजेक्शन आएगा जो कि मुझे लगेगा, और जिसके बाद वो देखेंगे कि आया बीमारी है या नहीं, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरा दिल कहता है, आप सब लोगों की दुआओं की वजह से, फैमिली की दुआओं की वजह से,
मैं कैंसर फ्री होंगी, क्योंकि 10% उन्होंने चांसेस रखे हैं कि नेक्स्ट सर्जरी के, और मेरा दिल करता है कि इसी सर्जरी में रिपोर्ट क्लियर आ जाएगी इंशाल्लाह, और वो रिपोर्ट यही कहेगी कि कैंसर नहीं है, ताकि मेरी दूसरी सर्जरी ना हो। तो बस रमज़ान का मुकद्दस बरकत महीना है, आप सब लोगों का बहुत सारा प्यार है, दुआएं हैं, फैमिली की दुआएं हैं, मेरी दुआएं हैं, तो अल्लाह ताला मेरे साथ उन सारे लोगों को भी जो है शिफाए कामिल अता फरमाए जो इस वक्त जो है परेशान हैं, किसी बीमारी में मुब्तला हैं, कैमोथेरेपी चल रही है। कोमल की तबीयत ठीक हो जाए इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह, कुछ नहीं होता डॉक्टर्स के कहने से कि अब आपके पास टाइम नहीं है या अब आप रिकवर नहीं कर सकती, आपका क्योरेबल नहीं है, इससे कुछ नहीं होता। ज़िंदगी जितनी हम लिखवा के लाएँ हमने उतनी ही जीनी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम कैंसर पेशेंट हैं या कोई और बीमारी हमें हो जाती है। अगर ज़िंदगी लिखी है तो हम इन सारी बीमारियों से बच के भी आगे अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, पूरी कर सकते हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो बस अपनी नमाज़ों में, अपने तहज्जुद में, अपनी इबादत में मुझे, कोमल को और हम जैसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो ठीक होने के लिए ख्वाहिशमंद हैं, उनके लिए आप लोग ढेर सारी दुआ किया करें, हमें याद रखा करें। मिलते हैं कल। और हाँ, जो फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके आपने चैनल सब्सक्राइब करना है और मेरी इस फैमिली का हिस्सा बनना है, जिसमें मेरी चल रही है कैंसर जर्नी, जो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ जस्ट फॉर मोटिवेशन। और इसके अलावा कभी कभार थोड़ी बहुत जो है वो डेली एक्टिविटी भी उसमें ऐड हो जाती है। बाकी हाँ, जो ड्राइंग रूम की सेटिंग का था वो फाइनली यही है कि इंशाल्लाह सोफ़े लेंगे, फ्लोर सेटिंग नहीं करनी, क्योंकि वो रूम मेरा बिल्कुल ऐसे ही पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है, उसमें सिर्फ कारपेट रखा हुआ है, बिछाया भी नहीं था, तो वो बच्चों के बेडरूम में बिक जाएगा। और इंशाल्लाह ड्राइंग रूम के लिए सोफ़े आएंगे, और अभी बिल्कुल नहीं दिखाऊँगी, सोफ़े लेने हैं। साथ में उसकी थोड़ी बहुत मैंने कुछ बच्चों की पिक्चर्स वगैरह मैंने डेवलप करवा के रखी हुई हैं, मैंने वो भी लगवानी है, और उसके लिए काफ़ी चीज़ें सोची हुई हैं उसकी डेकोरेशन के लिए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो वो जब सब कुछ हो जाएगा फिर आपसे शेयर करूँगी। तो मिलते हैं कल इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।